हे गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं MI अकाउंट के ऊपर। तो ये देखिएगा गाइस, सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम होती है कि दिस डिवाइस इज लॉक्ड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है MI के और Redmi के फोन की। तो इस टाइप से अगर आपका फोन लॉक हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिखेगा गाइस, ये हमारे पास Redmi का फिलहाल आज Redmi Note 10 T स्मार्टफोन, जिसके ऊपर मैं ये जो स्टेप है वो फॉलो करने वाला हूँ। तो अगर आपके फोन में भी सेम इशू है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट प्ले करते हैं विदाउट एनी स्किप, तो आप गारंटी से मैं कहता हूँ कि आप अपने फोन का जो MI अकाउंट है उसको कर पाएंगे रिमूव। अगर आपको रिमूव करना है तो इस वीडियो को कंटिन्यू प्ले जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आप एक्टिव दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे फिलहाल मैं एक बार इसके अंदर जो वाईफाई है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया है, और जैसे ही मैं इस एक्टिव दिस डिवाइस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद अपना पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड तो मुझे पता ही नहीं, एक्टिव करता हूं तो पासवर्ड रॉन्ग ही बताता है। तो उस कंडीशन में क्या कुछ करना है आपको, आज का वही टॉपिक था हमारा। तो सबसे पहले क्या करना है कि गाइस, आपके पास एक अदर स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप या फिर PC, इन तीनों में से कोई भी हो या फिर अदर मेथड जो भी आप फॉलो करना चाहे। बट मुझे आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको करना आपके MI अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट। वो कैसे करना है वही मैं आपको बताने वाला था। तो आपके पास अदर स्मार्टफोन है, उसके अंदर आपको अपने गूगल के अंदर या फिर जैसे भी जहां पे भी आपको सर्च करना है, उसके अंदर आपको सर्च करना है फॉरगेट MI अकाउंट पासवर्ड, ठीक है। इसको आपको करना है सर्च और रीसेट पासवर्ड MI अकाउंट, इस ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप कहेंगे कि हम किस नंबर का जीमेल अकाउंट का या फिर MI अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट करें। तो वही चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप अपने एक्टिव दिस डिवाइस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस आता है। उसके अंदर आपको देखिए MI अकाउंट और फोन नंबर, दो चीजें आपको स्टार स्टार के अंदर दिखाई दे रही है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर आपको दिखाई दे रहा है फोन का। इससे आप पता लगा सकते हो कि मेरा फोन नंबर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड फोन के अंदर वो नंबर यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मेरा ये नंबर है, मैं इसी को एंटर कर रहा हूं और इसको कर देता हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि नीड टू चेक वेदर यूअर फोन नंबर इज वैलिड टू वेरीफाई यूअर आइडेंटिटी। तो उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक करने हैं कि आप यहाँ आएगा आपका एक वेरिफिकेशन कोड, यानी कि जिसको हम OTP कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड। तो यहाँ पे मेरा जो कोड है वो आ चुका है, तो मैं इसको कर देता हूँ एंटर 00411। ये मेरा इसके अंदर कोड आया है। और उसके बाद देखिए टेस्टिंग यहाँ पे चल पड़ी है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है एंटर योर पासवर्ड, यानी कि रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पे आ चुका है एंटर योर पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ 11223344, और इसमें एक स्पेशल करेक्टर के लिए मैं स्टार और 1 प्रेस कर लेता हूँ। ऐसे ही मैं सेम प्रेस कर लेता हूँ 11223344 और 1, और उसको कर देता हूँ सबमिट। तो ये दिखेगा गाइस, यहाँ पे हो चुका है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो गाइस पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है सक्सेसफुली। हम इसको कर लेते हैं साइड में और बाहर आते हैं इस फोन के अंदर। तो यहाँ पे देखेगा गाइस, हमने पासवर्ड सेट किया था 11223344 और 1। इसके बाद हम करते हैं एक्टिव, तो ये दिखेगा फोन हो चुका है एक्टिव, और उसके बाद कर लेते हमने फोन को कंटिन्यू।
तो गाइस इन सभी जो सेटिंग है फिलहाल हम स्किप करते हुए चलेंगे और हमारा वाईफाई कनेक्ट है तो फोन गेट यू रेडी स्टार्ट हो जाएगा फ्यू मिनट। फिलहाल कोई भी कॉपी वगैरह फिलहाल हमें नहीं करनी है। तो फिलहाल जो सेटिंग में उनको कर रहा हूं स्किप करते हुए। तो गाइस ये देखिएगा हमारा फोन है वो हो चुका है बिल्कुल स्टार्ट। अब आप चाहते हो कि हम इसको परमानेंट रिमूव कर दें तो कैसे करना है कि सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर आपको एमआई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, एमआई अकाउंट के ऊपर आपको लॉग आउट ऑप्शन मिलेगा, लॉग आउट पे क्लिक करना है और एंटर ए पासवर्ड यानी कि हमने पासवर्ड लगाया 1122334 और @ और 1 लगाया था ओके क्लिक कर देना है और चेक ए पासवर्ड के बाद आपका फोन एमआई अकाउंट बिल्कुल हो चुका है रिमूव। तो गाइस इस टाइप से आप अपने रेडमी के फोन का एमआई अकाउंट है उसको कर सकते हो परमानेंट रिमूव। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली और वीडियो आपको देखने को मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।